हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के बारे में, जो कि बासमती राइड की कंपनी है और अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी का मेन मार्केट जो है साउथ इंडिया है। 75% रेवेन्यू इनका साउथ इंडिया से आता है और 25% रेवेन्यू इनका आता है वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया से। दोस्तों, मिष्ठान फूड्स ये कंपनी बासमती राइस बनाती है और अलग टाइप का राइस बनाती है। इनका आई लव राइस नाम का जो ब्रांड है काफ़ी फेमस है साउथ इंडिया में। इसका आज का क्लोजिंग था 19.50 का और 52 वीक हाई था 27 का। दोस्तों, ये कंपनी ने आज अपर सर्किट लगाया। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के बताया था इसके क्वार्टर रिजल्ट के बाद में कि कंपनी शानदार है, अच्छा प्रॉफिट देगी, पर बाद में मार्केट गिर गया तो ये शेयर भी काफ़ी गिरा। बट आप देख सकते हैं आज इसने फिर से अपर सर्किट लगाया है और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक ये अपर सर्किट लगाता रहे। जैसे मार्केट चलेगा शेयर भी फटाफट रिकवर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसका पी है 91 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी दोस्तों ये कंपनी लॉस मेकिंग थी पहले और अभी ज़बरदस्त प्रॉफिट में आई है। आपको उसके बारे में बताऊंगा जल्दी मैं। EPS है 0.21 का, जो कि इस ग्रेड के हिसाब से ठीक ठाक है। और इसका लेटेस्ट क्वार्टर का EPS था 0.13, मतलब इसका EPS आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 0.50 का भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.47 का, जो कि डेट काफ़ी कम है तो ये पॉजिटिव बात है एक पिनी स्टॉक के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग है 49% और FIDII का इसमें कोई होल्डिंग नहीं है क्योंकि ये छोटी कंपनी है। इसके ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों। सितंबर 2020 में इसका प्रॉफिट था सिर्फ 4 लाख, जी हाँ सिर्फ 4 लाख प्रॉफिट था सितंबर 2020 में। जून 2021 में वो बढ़कर हो गया 3.49 करोड़, जी हाँ 3.5 करोड़ का प्रॉफिट इसने दर्ज किया जून 2021 में। और सितंबर 2021 में तो इसने कमाल ही कर दिया, इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 6.50 करोड़, 6.5 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट इसने बुक किया दोस्तों। तो आज देख सकते हैं कि इनका जो सेल है और ब्रांडिंग का कितना स्ट्रांग होगा, जिसके कारण प्रॉफिट डायरेक्ट डबल हो गया लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। और इसीलिए ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करके रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं अपने पोर्टफोलियो में 1-2% इस शेयर्स को लेके भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग जब शेयर का रेट कम होता है, जब हम डरते लेने के लिए, तो बाद में जब बढ़ जाता है, जब दुख मनाते हैं कि ये शेयर जब लेना चाहिए था, जब सस्ते में मिल रहा था, तो 19.50 इस रेट में आपको मिल रहा है और ये लगातार अभी रिकवर कर सकता है। हो सकता है 3-4 महीने में 30 तक के भी लेवल, 30-40 लेवल भी दिखा सकता है। और देखिए साहब, सब चीज़ें मार्केट पर डिपेंड करती है। मार्केट गिरा तो सब शेयर गिरते हैं और उसमें पेनी स्टॉक तो बहुत जल्दी गिरते हैं, बट जब भागते हैं तो जल्दी भाग भी जाते हैं। आज इसमें अपर सर्किट लगा है क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है और इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग भी करना ज़रूरी होता है। आपको 20-25% 30% प्रॉफिट हो तो बुक करके आप फिर से लो लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। ये फंडामेंटल रखेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। हाँ, पर अगर आपका व्यू 3-4 साल का है, 5 साल का है, तो ये लेवल पे रख के भी आप भूल जाइए। मार्केट ऊपर नीचे चलते रहेगा, बट इसका ब्रांड जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, आई लव राइस, और तो वो जो ब्रांड जिसका स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, तो यही शेयर हमें अच्छे प्रॉफिट देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कितने अच्छे आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। तो मिष्ठान फूड्स ये छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत इसको पोर्टफोलियो में लेके भूल जाइए, डरिए मत, क्योंकि ये शेयर जब चलेगा तो अच्छा चलेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, जैसे आपने देखा लास्ट 2 क्वार्टर में कितना शानदार रिजल्ट इसे दिया है, तो वैसा ही रिजल्ट इसका दिसंबर में भी आने की उम्मीद है, मार्च में भी आने की उम्मीद है। तो जैसे जैसे इसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपको ये शेयर भी अच्छे से मुनाफा देते हुए दिख सकता है। तो मिष्ठान फूड्स को आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, थोड़ी बहुत गिरावट से घबराइए मत। या अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए टाइम टू टाइम, और इस बारे में आप खुद स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।